नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रदेश सरकार की सत्ता पर काबिज भाजपा जसपा दोनों के ही कई नेता कैबिनेट विस्तार का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ तो कैबिनेट विस्तार के लिए लगातार प्रेशर भी बना रहे हैं और मीडिया में भी इनडायरेक्ट जल्द विस्तार के बयान दे चुके हैं। वहीं पंचायत चुनाव में भी अभी कुछ समय लग सकता है। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। इस स्थिति में साफ है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों एवं मंत्री बनने की चाह रखने वाले गठबंधन के नेताओं को अभी इंतजार करना होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कहते हैं कि जब तक खाली कुर्सी रहेगी तो चर्चाएं चलती रहेंगी। यानी कम से कम भाजपा हाईकमान अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर जल्दबाजी में नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में पंचायतों को कार्यकाल फरवरी में पूरा हो चुका है, बावजूद अभी तक चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने में रेवाड़ी जिले को प्रदेश भर में पहला स्थान मिला है। हिसार में प्रेस वार्ता के दौरान राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त TC गुप्ता द्वारा सेवाएं देने में रेवाड़ी जिला प्रशासन की प्रशंसा की गई। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि सरल पोर्टल पर 1,05,627 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,03,394 आवेदनों पर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। DC ने बताया कि जिले का स्कोर पूरे प्रदेश में 9.7 है। साइबर एक्सपर्ट व संस्कृति यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर दिव्या तवर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले महीने फेसबुक ने इस बात की पुष्टि की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 29 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स हैक करके यूजर्स के डेटा चुराए गए हैं। विश्व में फेसबुक के द्वारा मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता है। आज कई लोगों के फेसबुक ID हैक हो जाते हैं। कई ऐसी ट्रिक है जिनसे आसानी से आपका पासवर्ड हैक हो सकता है। अक्सर लोग कई लिंक्स पर क्लिक करते हैं और इनमें लॉगिन भी कर लेते हैं। सिर्फ एक लॉगिन करवाकर कोई भी आपका फेसबुक पासवर्ड पता कर सकता है, इसलिए कभी भी किसी अज्ञात लिंक पर लॉगिन न करें। अज्ञात लिंक लॉगिन करने से फेसबुक पासवर्ड हैक किया जा सकता है। हैकर आपका पासवर्ड हैक करके आपकी ID से कुछ भी पोस्ट कर सकता है, साथ ही आपके दोस्तों से जैसे चाहे वैसे बात कर सकता है। प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद PG कॉलेजों में जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई है, उनके पास फीस जमा कर दाखिला कंफर्म करने के लिए सोमवार को अंतिम दिन बचा था। बता दें कि पहले फीस जमा कराने के लिए अंतिम तिथि 18 सितंबर थी, लेकिन हरियाणा पुलिस महिला पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते इसे 2 दिन बढ़ाकर यानी 18 से 20 सितंबर तक कर दिया गया था। बची सीटों के लिए 22 सितंबर को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पराली की गांठ बनाकर फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों को सरकार देगी रुपए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में साल 2021-22 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन स्टेट प्लान यानी SB82 स्कीम के अंतर्गत बेलर द्वारा पराली के बंडल या गांठ बनाकर पराली प्रबंधन करने वाले धान के किसानों को अधिकतम 1,000 रुपए प्रति एकड़ या फिर 50 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ पराली मानते हुए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय मिशन पोषण अभियान के चौथे चरण में हरियाणा में भी सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए साल 2022 तक 6% कुपोषण कम करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अंतिम चरण के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में कुपोषण के शिकार बच्चों में 34% ठिगनापन, 21.2% दुबलापन, 29.4% कम वजन पाया गया है। सवाल ये है कि सरकार प्रदेश में करीब 10.91 लाख बच्चों को पोषित आहार देने की दावा कर रही है, जिसमें बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए भारी भरकम आहार में हर दिन एक बच्चे पर करीब 8 रुपए से लेकर 12 रुपए खर्च कर रही है। सवाल उठता है कि इस ऊंट के मुंह में जीरा जैसे खर्च पर बच्चों को पौष्टिक आहार कैसे दिया जाएगा और प्रदेश से कुपोषण की समस्या से कैसे निपटा जा सकेगा। वैष्णो माता भक्तों के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय द्वारा उदयपुर सिटी से कटरा के लिए सीधी जम्मू मेल एक्सप्रेस चलाई जाएगी। यह ट्रेन नारोल स्टेशन से होकर गुजरेगी। रेलवे ने इसके आवागमन का शेड्यूल तय कर दिया है, लेकिन अभी इसके शुभारंभ की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। इस मेल ट्रेन के चलने से वैष्णो माता के भक्तों को ही नहीं बल्कि अन्य यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर पश्चिमी रेल मंडल जयपुर की ओर से नई मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन उदयपुर सिटी से चलकर फुलेरा नारोल वाया पुरानी दिल्ली होते हुए सीधे श्री माता वैष्णो देवी कटरा को जाएगी। जम्मू मेल एक्सप्रेस उदयपुर सिटी से प्रातः 6:40 पर चलकर नारनौल को शाम 4:23 पर पहुंचेगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद यह रेवाड़ी को रवाना हो जाएगी। सुबह 9:20 पर कटरा पहुंचेगी। यही ट्रेन वापसी में दोपहर को 2:05 पर कटरा से चलेगी और सुबह 4:30 पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। यहां 15 मिनट ठहराव के बाद यह ट्रेन 4:45 पर चलेगी तथा प्रातः 7:08 पर नारनौल पहुंचेगी। तत्पश्चात शाम को 5:00 उदयपुर सिटी
पहुंच जाएगी। पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए। पंजाब भवन में चन्नी ने कृषि सुधार कानून का दांव खेल दिया है। चन्नी ने कहा कि पंजाब कृषि आधारित राज्य है, केंद्र सरकार कानून वापस ले, अगर किसानों पर आंच आई तो मैं गला काट कर दे दूंगा। सीएम बनाने के लिए पार्टी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताया। चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम की तारीफ की। उन्होंने पंजाब के पानी का रखवाला भी कहा। चन्नी की कॉन्फ्रेंस में नवजोत सिंह सिद्धू का दबदबा साफ दिखाई दिया। सिद्धू चन्नी के बगल बैठे थे, उसके बाद डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले ओपी सोनी नजर आए। चन्नी जब जब भावुक हुए तो सिद्धू कभी उनकी पीठ थपथपाते तो कभी हाथ पकड़ते रहे। चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धू स्टाइल में ही खत्म की, अपनी बात कह दी लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। कोरोना महामारी के मद्देनजर देश में पिछले 2 सालों में भारतीय सेना की भर्तियां 5 बार रद्द की गई हैं। भर्ती रद्द होने पर एक बार फिर एक नई तारीख सुनिश्चित की जाती है और फिर उस तारीख के नजदीक आने पर उसे रद्द कर दिया जाता है। इससे सेना में जाने के इच्छुक युवाओं में आक्रोश फैल गया है, जो सोमवार को विरोध प्रदर्शन के रूप में फूटा। सोमवार को रोहतक शहर में सोनीपत, झज्जर और पानीपत के अलावा रोहतक भर से आए युवाओं का जमावड़ा लगा। राजीव गांधी स्टेडियम में जुटे 500 से ज्यादा युवाओं ने स्टेडियम से लेकर मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला और मिनी सचिवालय के बाहर बैठकर धरना दिया। करीब 2.5 घंटे तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीटीएम के माध्यम से उपायुक्त के नाम मांग पत्र सौंपा गया। 26 सितंबर को हरियाणा एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा होगी। 465 पदों के लिए 2,14,808 देंगे पेपर। 9 जिलों में एग्जाम सेंटर होंगे। पुरुषों के लिए एग्जाम सत्र 9 बजे रहेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा आयोजित एसआई की लिखित परीक्षा 26 सितंबर को होने जा रही है। 465 पदों के लिए 2,14,808 युवाओं ने आवेदन किया हुआ है। परीक्षा के लिए 9 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सुबह की शिफ्ट में होने वाले पेपर का समय 9 बजे रहेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि टेबल महिला पदों की परीक्षा मात्र 5 जिलों में ली गई, जिसमें सफलता मिली। सब इंस्पेक्टर का भर्ती पेपर 9 जिलों में लिया जाएगा। इनमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम व फरीदाबाद को शामिल किया गया है। इस परीक्षा में विभाग की तरफ से पूरी शक्ति बरती जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए PST क्वालिफाइंग टाइम पुरुषों के लिए 12 मिनट, महिलाओं के लिए 6 मिनट और पूर्व सैनिकों के लिए 5 मिनट का रहेगा। इंडियन आइडल फेम राजस्थान के सवाई भाट के अब तक 2 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं। डेब्यू सॉन्ग सासे और इसके बाद आया दूसरा सॉन्ग ओ सजना ने भी म्यूजिक लवर्स के बीच जमकर धूम मचाई है। चार्ट बस्टर्स पर दोनों सॉन्ग सुपरहिट साबित हुए हैं। इस बीच रविवार को इंडियन आइडल फेम सवाई भाट नागौर जिले में अपने क्षेत्र मकराना MLA रूपाराम मुरावतिया से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। MLA रूपाराम मुरावतिया ने कहा कि ईश्वर से उनकी दुआ है कि सवाई दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और मकराना क्षेत्र सहित पूरे नागौर का देश में नाम रोशन करे। उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक सिंगर हैं। सिंगर इमोशनली स्वभाव के चलते ईश्वर के सबसे नजदीक होता है, इसलिए उसे अपने व्यवहार और शब्दों के चयन में भी ईश्वरीय मर्यादा रखनी चाहिए। पंजाब में जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा दिए जाने के साथ ही सत्ता परिवर्तन कर नए चेहरे की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी बीच नेता विपक्ष और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 22 सितंबर को कांग्रेसी विधायक दल की बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार यह बैठक नेता विपक्ष और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर होगी। पंजाब में चल रही कांग्रेस की सियासत के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को विधायक दल की बैठक बुला ली है। शाम को 3 बजे होने वाली इस बैठक में नेता विपक्ष अपने विधायकों के में विचार मंथन करेंगे। कांग्रेस हाईकमान की ओर से पंजाब में बदलाव और दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन कर दिए जाने व सारे सियासी माहौल के बीच में यह बैठक भी अहम मानी जा रही है। जब आप कार या बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले कीमत और माइलेज के बारे में पता करते हैं। ग्राहकों की इसी सोच को ध्यान में रखते हुए टू व्हीलर निर्माता कंपनी ने कम कीमत में ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक लॉन्च की है। ऐसी ही बाइक है हीरो HF डिलक्स बाइक, जो अपनी कीमत और माइलेज की वजह से लोगों को काफी पसंद आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र ये बाइक 6,000 रुपए की डाउन पेमेंट पर आप अपने घर ले जा सकते हैं। हीरो HF डिलक्स को कंपनी ने वजन में काफी हल्का रखा है। कंपनी ने इसे नीला, हरा, लाल के साथ काले रंगों में लॉन्च किया है। हीरो डीलक्स बाइक का माइलेज 65 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसमें 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। एक बार टैंक को फुल कराने पर लगभग 600 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय किया जा सकता है। इस बाइक पर बैंक 54,035 रुपए का लोन देगा, जिसके बाद आपको मात्र 6,035 रुपए की डाउन पेमेंट देनी होगी। डाउन पेमेंट के बाद आपको हर महीने 1,949 रुपए की EMI चुकानी होगी। इस लोन की अवधि 36 महीने की होगी और लोन की राशि पर बैंक 9.7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी नहीं रहे। प्रयागराज के मठ में फांसी पर लटकता मिला शव, 7 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। शिष्य आनंद समेत 3 हरिद्वार में पकड़े गए हैं। प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक उनका शव अल्लाहपुर में बागम्बरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना का कारण साफ हो पाएगा। फिलहाल यह फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला लग रहा है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों के अनुसार नरेंद्र गिरी उन्हें जिस कमरे में सुसाइड किया है वह दरवाजा बंद था। अनुयायियों की सूचना पर दरवाजा तोड़कर नरेंद्र गिरी का शव निकाला गया। मठ पर बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु भी पहुंच गए हैं। अनुयायी और श्रद्धालु इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य आदि ने निधन पर गहरा शोक जताया है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। इसी गिरावट के चलते सोना 46,000 के नीचे आ गया है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोना 125 रुपए सस्ता होकर 46,185 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सराफा बाजार में चांदी की बात करें तो 1256 रुपए सस्ते होकर चांदी 59,875 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।